शुक्रवार को दुगदी के विधायक हरिराम चेरो ने म्योरपुर ब्लॉक के देवरी ब्लॉक संसाधन के केंद्र में 180 आदिवासी छात्राओं को साइकिल वितरित करी। उन्होंने कहा कि बाहुल्य क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसे निखारने का काम शिक्षकों का है। सरकार छात्र छात्राओं के पढ़ाई के लिए नई साइकिल वितरण की है। मेधावी छात्राओं और अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए चेरो ने कहा कि शिक्षा नीति के तहत जो कार्यक्रम सरकार चला रही है उससे सभी के लिए सुनहरा मौका है। जो छात्राएं दूर से कॉलेज आती हैं उन्हें साइकिल मिलने से आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले से शिक्षण कार्य में सुधार आया है, शिक्षकों की कमी भी पूरी की जा रही है, इसे लेकर सरकार चिंतित है। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सहाय ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे निष्ठा के साथ गुरु की गरिमा बढ़ाएं और अभिभावकों का आह्वान किया कि वे बच्चों को नियमित स्कूल भेजें। दुगदी के विधायक हरिराम चेरो ने कहा कि जिस आदिवासी बच्ची का पेपर के दौरान रिजल्ट अच्छा बना था उसे सरकार ने वीरता देते हुए साइकिल दिया है। मैंने कुछ बच्चों से सवाल जवाब भी किए, जो पहले की अपेक्षा बच्चे बहुत टैलेंटेड हुए हैं। ये जो साइकिल विधायक जी बट रहा है अनुसूचित बालिकाओं को जो बात हुई है उनका क्या है उद्देश्य? देखिए, जो बच्चे ट्राइबल हैं उनके लिए जो पास हुए हैं सरकार के द्वारा ये साइकिल वितरण कार्यक्रम किया गया है और अभी हमने कई बच्चों से जो है पूछताछ भी किया पठन पाठन पे, बहुत अच्छा लगा। बच्चे सब जो है बड़े टैलेंटेड हैं, पहले से वो अब में विद्यालय के गुणवत्ता में बहुत पठन पाठन में सुधार आया है। यहाँ के अध्यापकों को और ये बी एस सहाय साहब सहित सभी लोगों को मैं बधाई भी दिया हूँ और मेरी सरकार इसमें बहुत चिंतित है। पहले की सरकार और इस सरकार में बहुत ज़्यादा अंतर है, पठन पाठन से लेकर के जूता मोजा खान पान से लेकर के तमाम चीज़ों पर हमारी सरकार गंभीरता से ध्यान दी है और उसी हिसाब से अध्यापक और शिक्षा विभाग के लोग काम भी कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई है, कुछ त्रुटियां हुई थी पहले, अब उसमें और अब में काफ़ी सुधार है और जिन ट्राइबल बच्चों को दूर से आना पड़ता था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से, कुछ लोग कतराते भी थे कि हम कैसे जाएंगे, जो बच्चे आधे घंटे में आते थे अब वो जो है 10 मिनट में आ जाएंगे 5 मिनट में आ जाएंगे, जो बच्चे आने में 1.5 घंटा लगाते थे वो 20 मिनट में आ जाएंगे। तो बच्चों में भी जो है बड़ा उनके अभिभावक में उत्साह होगा कि सरकार ध्यान दे रही है, साइकिल दे रही है और हमारी सरकार माननीय योगी जी और NDA की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और आगे भी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।